बैक टू माय चैनल, मैं हूँ राखी पवार। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक और फेस मास्क शेयर करूंगी। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे फेस मास्क अपने चैनल पर शेयर कर दिए हैं, आप जरूर उनको देखें, उनसे फायदा उठाएं, आपको अच्छे उनसे फायदे मिलेंगे अगर आप उनको डेली बेसिस पर अपनी स्किन केयर रूटीन में शामिल बना लेते हैं। और साथ साथ मैं उसके फायदे भी आपको बताऊंगी, और मैं आपको बताऊंगी कि वो फेस मास्क आपकी जो स्किन पर है वो कैसे काम करेगा, आपकी स्किन को कैसे अच्छा बनाएगा, हेल्दी बनाएगा। तो चलिए अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने खाली बाउल ले लिया है और जो हम फेस पैक बनाएंगे वो नीम पाउडर से बनाएंगे। नीम पाउडर आप घर पर भी तैयार कर सकते हो। नीम की पत्तियों को सुखाकर और उनको पीसकर आप पाउडर बना सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो, या फिर ऐसे आप मार्केट से परचेज कर सकते हो। नीम पाउडर में एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। अगर आपके फेस पर बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं और पिंपल के निशान हैं, मुहासों के निशान हैं, तो आप इस फेस पैक को ज़रूर अपनी स्किन पर लगा सकते हैं। आपके फेस से दाग धब्बों को हटाने में ये फेस पैक बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। नीम के पत्तों में एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी होती है, उम्र से पहले आने वाली फाइन लाइन और झुर्रियों को कम करने में भी हेल्प करेगा। और अब मैं इसमें एक चम्मच एलोवेरा जेल ऐड करूंगी। एलोवेरा जेल भी आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। एलोवेरा जेल आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, हाइड्रेट करता है, आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाता है, और इन दोनों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये फेस पैक आपकी स्किन को सुंदर बनाएगा और चमकदार बनाएगा, आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, आपके चेहरे को इवन टोन करेगा। धूप और मिट्टी की वजह से चेहरे का निखार कहीं खो जाता है। नीम और एलोवेरा का फेस पैक अगर आप अपनी स्किन पर अप्लाई करते हैं तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग हो जाएगी और आपकी स्किन पर जो दाग धब्बे हैं वो भी दूर हो जाएंगे। इस फेस पैक को आप सर्दियों में भी अप्लाई कर सकते हैं, ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा। इस फेस पैक को आप हफ्ते में 2 बार ही अप्लाई कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आपने नहीं करना है। फेस पैक को अप्लाई करने से पहले आपने पैच टेस्ट जरूर करना है। आप अपनी गर्दन पर या हाथ पर पहले लगाकर देख सकते हैं, अगर आपको जलन महसूस होती है तो आप इस फेस पैक को अप्लाई मत करना। और हमारा जो फेस पैक है वो रेडी हो गया है, अब हम अप्लाई करेंगे। और यहाँ पर हमेशा की तरह पहले मैं अपने फेस को क्लीन करूँगी, और आप रोज़ वाटर से भी कर सकते हैं, और फेस वॉश करने के बाद भी आप फेस पैक अप्लाई कर सकते हैं, या आप टोनर से अपना फेस को क्लीन कर सकते हैं। और अब मैं फेस पैक को अपने फेस पर अप्लाई करूँगी, और पूरे फेस पर मैं इस फेस पैक को अच्छे से लगा लूँगी और नेक पर भी लगा लूँगी। मेरे फेस पर बहुत ज़्यादा दाग धब्बे थे, बहुत ज़्यादा काले निशान थे, और जब से मैं इस फेस पैक को लगा रही हूँ मेरे जो फेस के सारे जो दाग धब्बे हैं वो बिल्कुल गायब हो गए हैं और मेरा फेस जो है बिल्कुल क्लीन हो गया है। अगर आपको भी मेरे जैसे प्रॉब्लम है तो आप अपनी स्किन केयर रूटीन में इस फेस पैक को शामिल कर सकते हैं। हफ्ते में 2 बार ही अप्लाई करना है, और मैंने पूरे फेस पर फेस पैक लगा लिया है और मैं 15 मिनट के लिए इसको सूखने के लिए छोड़ दूँगी। और यहाँ पर मेरा फेस पैक सूख गया है और अब मैं अपने फेस को वॉश कर लूँगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है और मेरा जो फेस है बिल्कुल क्लीन हो गया है और बहुत ज़्यादा ग्लो नज़र आ रहा है मेरे फेस पर। और अगर आपको ये फेस पैक ट्राई करना है तो आप करके देख सकते हैं। ये था फेस मास्क जो मैंने अभी आपको बनाकर और लगाकर और उसके फायदे भी मैंने आपको साथ साथ बताए, और आप अपनी स्किन के रूटीन में इसको शामिल कर सकते हैं। हर इंसान की बॉडी अलग होती है, स्किन अलग होती है। जब भी आप कोई भी न्यू फेस पैक अप्लाई करते हैं अपनी स्किन पर पैच टेस्ट जरूर करें। आप अपनी नेक पर लगा सकते हैं, हैंड पर लगा सकते हैं, और जब आपका बिल्कुल ओके है तो भी आप अपनी फेस पर उसको अप्लाई करें। वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।